एनएसयूआई के संघर्षपूर्ण चुनाव में दो वोट से जीतकर जिलाध्यक्ष बने लोकेश कोठारी की राह कांटों से भरी है, लेकिन अभी वक्त जीत की खुशी मनाने का है। लिहाजा सभी कांग्रेस जन में इस बात की खुशी है कि जयपुर में हुए मतदान में अजमेर के लोकेश कोठारी विजयी हुए। जयपुर से लौटते ही कोठारी का विजय जुलूस निकाला गया। मंगलवार रात जहां जयपुर से अजमेर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यालय के बाहर कोठारी को युवा साथियों ने मालाओं से लाद दिया। वहीं बुधवार शाम राजकीय महाविद्यालय से एनएसयूआई जिला अध्यक्ष लोकेश कोठारी और जिला सचिव काजल परमार को जुलूस की शक्ल में शहर भ्रमण कराकर कांग्रेस कार्यालय तक लाया गया। मीडिया से बात करते हुए कोठारी ने बताया कि उन्होंने धर्म और जात से बाहर जाकर चुनाव लड़ा और टीम भावनाओं के कारण उनकी जीत हुई है। उनका प्रयास छात्र शक्ति को मजबूत करने का रहेगा और अपने जनप्रतिनिधियों और नेताओं का सहयोग लेकर छात्र समुदाय के उत्थान में तत्पर रहेंगे। कोठारी की जीत पर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र सिंह ललावता, पूर्व एनएसयूआई अध्यक्ष वाजिद खान, युवा कांग्रेस लोकसभा वाजिद खान चीता, सौरभ बजाट, सभा खान, संजय जैन, सुनील लारा, रूप सिंह नायक सहित छात्रों ने बधाई दी। ये मेरी जीत नहीं है, मेरे साथियों की जीत है। मेरी जीत नहीं, मेरे साथियों की जीत है। ये जीत जात पात के ऊपर हटके एक टीम वर्क की जीत है। मेरे साथियों ने मुझे जितवाया है और मैं ये कहना चाहूंगा कि एनएसयूआई जिला अध्यक्ष बनते छात्रों की शक्ति के लिए काम करूंगा और सही रास्ते पे करके आगे एनएसयूआई का नाम बढ़ाऊंगा। मैं जिला सचिव के पद के लिए चुनी गई हूँ। मैं ना बहुत खुश हूँ इससे। इसके पीछे मेरे बड़े भाइयों का हाथ है, मेरे माँ बाप का पूरा सपोर्ट है इसके पीछे, और मैं सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। लोकेश भैया के साथ में हम भी मिलकर अपना पूरा सहयोग करेंगे। महिला होकर हम हर एक महिला को अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उसे भी प्रोत्साहन देंगे और पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से हर क्षेत्र में महिला भी आगे बढ़े।